शिक्षक का काम क्या होता है? इसका सबसे सामान्य सा जवाब है, बच्चों को पढ़ाना। और शिक्षक शब्द का मतलब ही होता है शिक्षण का कार्य करने वाला। लेकिन हमारे देश में शिक्षक का मतलब होता है चुनाव के वक्त ड्यूटी देने वाला, जनगणना के वक्त घर घर जाकर सर्वे करने वाला, हेल्थ कैंप्स में पोलियो ड्रॉप्स पिलाने वाला और स्कूलों में मिड डे मील स्कीम का खाना बनाने वाला। लेकिन बिहार में शिक्षक होने का एक और मतलब है और वो है बोरे बेचने वाला। जी हाँ, हम बिल्कुल सही कह रहे हैं। वर्ष 2014 से ही बिहार में सरकारी स्कूलों को शिक्षा विभाग ने ये टास्क दिया है कि मिड डे मील्स के लिए स्कूलों में जो अनाज आता है उनके खाली बोरों को 10 रुपए प्रति बोरे के दर पर बेचें और उसका पैसा सरकारी खजाने में जमा करवाएं, जिसके ताजा आदेश की कॉपी आप इस वक्त अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिसमें बिहार के शिक्षकों को कहा गया है कि अब तक जो बोरे वो 10 रुपए की दर से बेच रहे थे वो बोरे अब 20 रुपए की दर से बेचें। हैरानी की बात देखिए, बिहार में सरकारी स्कूलों के शिक्षक भले ही बच्चों को पढ़ाएं या ना पढ़ाएं, लेकिन उन्हें बोरे बेचना जरूरी है, क्योंकि सरकारी आदेश है कि अगर बोरे नहीं बेचे तो शिक्षकों पर डिसिप्लिनरी एक्शन हो सकता है। इतना ही नहीं, बोरे के पैसे जमा नहीं करवाए तो शिक्षकों का वेतन तक रुक सकता है। सोचिए, जिन शिक्षकों के कंधों पर बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी होनी चाहिए, उनके कंधों पर खाली बोरे बेचने का बोझ डाल दिया गया है। और ये बोझ कितना भारी है, इसका एक वीडियो भी आपको दिखाते हैं। ये वीडियो वर्ष 2021 का है। इस वीडियो में कटिहार के एक शिक्षक सिर पर बोरा बेचते नजर आ रहे थे। उनके गले में तख्ती लटकी हुई थी जिस पर लिखा था कि वो सरकार के आदेश पर खाली बोरा बेच रहे हैं। एक लकड़ी की तख्ती उनके हाथ में थी जिस पर लिखा था, बोरा ले लो, बोरा 10 रुपए में, MDM का खाली बोरा। बोरा खरीद लीजिए, मास्टर है चाचा जी। चाचा बोरा नहीं बिकेगा तो मेरा वेतन रुक जाएगा। चाचा एक बोरा खरीद लीजिए प्लीज। बोरा लगा दुकानदार भाई, बोरा लगा मैं ले लो भैया, एक दूसरा बोरा ले लो भैया। ये वीडियो बिहार में शिक्षा व्यवस्था का हाल बयान करता है, जहां बच्चों को पढ़ाने वाले शिक्षकों को बोरे बेचने पड़ रहे हैं। इस वीडियो को बिहार के शिक्षा विभाग ने इतनी ज्यादा गंभीरता से लिया कि वीडियो बनाने वाले शिक्षक के खिलाफ ही एक्शन ले लिया। यानी बिहार के शिक्षा विभाग ने ठाना हुआ है कि वो शिक्षकों को बच्चों को पढ़ाने के लिए मजबूर कर पाए या ना कर पाए, लेकिन शिक्षकों से बोरे तो बिकवा कर ही रहेंगे। और अब नया फरमान आ गया है जिसमें कहा गया है कि बिहार के शिक्षकों को 10 रुपए की बजाय 20 रुपए का बोरा बेचना पड़ेगा, क्योंकि अब बोरों का मार्केट रेट बढ़ गया है। इस नए आदेश के बाद बोरे बेच बेच कर परेशान हो चुके बिहार के शिक्षकों को समझ नहीं आ रहा कि वो करें तो क्या करें और कहें तो क्या कहें। चाचा जी बोरा खरीद लीजिए, मास्टर है चाचा जी। चाचा बोरा नहीं बिकेगा तो मेरा वेतन रुक जाएगा। चाचा एक बोरा खरीद लीजिए प्लीज। सरकारी स्कूलों में बच्चों को पढ़ाएं ना पढ़ाएं, शिक्षकों को बोरे बेचने पड़ेंगे। सरकारी स्कूलों में बच्चों के लिए बिजली हो ना हो, शिक्षकों को बोरे बेचने पड़ेंगे। सरकारी स्कूलों में बच्चों के लिए बेंच हो या ना हो, लेकिन शिक्षकों को बोरे तो बेचने ही पड़ेंगे। और पहले जो बोरा 10 रुपए में बेच रहे थे, अब 20 रुपए में बेचना पड़ेगा। बालक मध्य विद्यालय में जो मिड डे मील के लिए अनाज लाया गया है, अनाज देख लीजिए यहाँ है रखा हुआ, और यही जो खाली जूट का बोरा है इसी को बेचने के लिए एक नया फरमान जारी किया गया है बिहार के एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से। उस डिपार्टमेंट का जो लेटर है, उस लेटर के बाद आप देख लीजिए ये तमाम बोरा जिसमें चावल है, दाल है, ये सब कुछ लाया गया है। कुछ जो बोरा यहाँ पर है वो यहाँ पर आप देख लीजिए, लेकिन
स्कूल के जो प्रिंसिपल हैं उनके सामने सबसे बड़ी समस्या होती है कि चूहों से इन बोरों को बचाना और उसके बाद इस बोरे को 20 रुपए प्रति बोरा बेच देना। एक महीने में तभी अंदाजन हाँ, कितना बोरा हाँ, दस बारह बोरे हो जाते हैं। लेकिन ये बोरा को सुरक्षित आप कैसे रखते हैं? सुरक्षित यही है सर, सुरक्षा मेरे पास यही व्यवस्था है रखने का, बजाबता स्टोर हमको नहीं मिला हुआ है, जैसे न किचन सेड है न स्टोर रूम है, हम लोग इसी तरह से सुरक्षा रखते हैं। आप बताइए, बिहार के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों का होना ही अपने आप में बड़ी बात है, ऊपर से जो शिक्षक हैं भी उनका भी सारा टाइम बोरे बेचने की चिंता में कटा जा रहा है। और बात सिर्फ बोरे बेचने की तो है नहीं, बेचने के लिए बोरों को बिक्री योग्य बनाकर रखना भी एक बड़ा टास्क है। ये जो 20 रुपया वाला आदेश है इसको तुगलकी फरमान है, एक प्रशासक पहले हुआ करते थे मध्यकाल में, तो उसी तरह का जैसे वो आदेश करते थे, अभी श्री के पाठक के समय में शिक्षा विभाग के तमाम पदाधिकारी उसी प्रकार का आदेश कर रहे हैं। सवाल ये है कि विद्यालयों को 3-3 माह का चावल एक बार दिया जाता है, भंडारण की कोई व्यवस्था नहीं है, बोरा में चावल रहता है, बोरा जूट का रहता है, कोई भी ऐसा जगह नहीं है बिहार में खासकर जहां चूहा नहीं हो, वो सारे बोरे को काट देता है। फिर उस इस स्थिति में कैसे प्रधानाध्यापक बोरा बेचेगा? एक तो मैंने सारा काम प्रधानाध्यापक से करवाते हैं, चाहे जाति आधारित गणना हो, BLO का काम हो, और अब बोरा बेचने का काम भी प्रधानाध्यापक को। जिन स्कूलों में बच्चों के लिए क्लासरूम की कंडीशन इतनी खराब हो जहां मिड डे मील का अनाज बचाए रखना मुश्किल होता हो, वहां शिक्षकों के लिए बोरों को चूहे से बचाए रखना भी बड़ी माथापच्ची का काम है, क्योंकि चूहे ने बोरा जरा सा भी काट दिया तो 20 छोड़िए बोरा 2 रुपए में भी बिक जाए तो बड़ी बात है। सबसे बड़ी बात है रख रखाव की बात है सर, जैसे जो बोरा आता है चावल से भरा हुआ बोरा आता है, तो अब सब जगह तो रख रखाव का सुव्यवस्था है नहीं, अब हमारे पास जो व्यवस्था है उसमें बोरा एज इट इज नहीं रह पाता, उसको चूहा काट करके इस तरह से कर देता है कि उसका दाम लगाने वाला मिलता ही नहीं है, कोई भी बोरा जो है मैंने कि सही सलामत नहीं रह पाता, सब बोरा को चूहा काट करके इस तरह के कर देता है कि उसका मूल्य जो है लगाने वाला नहीं लगाता, बार्गेनिंग करता है, जो कम मैंने कि फटा चिटा है तो उसको थोड़ा ज़्यादा देता है, और जो ज़्यादा फटा चिटा है उसका कहता है कि नहीं ये फ्री में भी हम नहीं लेंगे। अब जैसे भी है करना तो पड़ेगा, क्योंकि सरकार ने फरमान जो दिया है, और इस फरमान का पालन कैसे हो रहा है ये देखने के लिए जी मीडिया की टीम पहुंची भागलपुर के एक स्कूल में, जहां बोरियों को संभालकर किसी कीमती चीज की तरह ट्रंक में सुरक्षित तरीके से सहेज कर रखा जा रहा था, और प्रिंसिपल इस उधेड़बुन में लगे थे कि 20 रुपए में बोरा कैसे बिकेगा। जिस तरह से जो है सोने को पैसे को रखा जाता है ट्रंक में सहेज कर, उसी तरह बोरियों को रखा जा रहा है। ये तस्वीर है और ये लत्ती पाकर मध्य विद्यालय की तस्वीर है, देख सकते हैं नजदीक से हम दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से जो है बोरियां वो पैसे और गहने की तरह एक ट्रंक में रखे हुए हैं सुरक्षित, क्योंकि इसे बेचने का आदेश जारी हुआ है, इसे बेचना है और बेचकर जो इसे पैसा जमा होगा वह सरकारी खाते में जमा करना है। विभाग का आदेश 16 से ही आ रहा है कि बोरा संभाल के रखिए, बोरा संभाल, लेकिन कितना रखेंगे बोरा, जगह भी नहीं मिलता, लेकिन जितना है उतना ट्रंक में रख लेते हैं, बाकी तो बच्चे लोग बैठ जाते हैं बोरा लेकर के, बाकी तो हम दरी का भी व्यवस्था रखे हुए हैं, लेकिन कुछ इधर उधर चूहा बाहर रहेगा तो चूहा काटेगा उसको, ट्रंक में ताला रखना पड़ रहा है, रख ही रहे हैं। बिहार के स्कूलों में बच्चों को पढ़ाना भूलकर शिक्षक खाली बोरों का हिसाब किताब रख रहे हैं। सिवान के हकाम गांव के प्राथमिक विद्यालय में खाली बोरों को इकट्ठा करके हेडमास्टर साहब अब बढ़ी हुई दरों पर बेचने की तैयारी कर रहे हैं। शिक्षा विभाग का जो आदेश आया है कि जो भी अनाज के जो बोरे हैं उसे
अब जो स्कूल के हेडमास्टर हैं वो इसे 20 रुपए प्रति बेचेंगे, क्योंकि पहले जो इसका मूल्य था 10 रुपए था, लेकिन अब इसे 20 रुपए कर दिया गया है। अभी तो 20 रुपया नहीं बिकता था, लेकिन अब हम लोग उसको प्रयास करेंगे। क्या लग रहा है उसको अच्छे तरीके से आप लोग बोरे को स्टोर कर रहे हैं? हाँ, अभी उसको हम लोग रख रहे हैं, जो भी बोरा खाली हो रहा है उसको बढ़िया से उसको चपेट के हम लोग रख रहे हैं। क्या कर रहे हैं सर, स्टोर करने के समय कोई दिक्कत भी आती है, परेशानी आती है आप लोग? हाँ, चूंकि प्राइमरी स्कूल है, रखने का जगह थोड़ा कम है, फिर भी हम लोग उसको संग्रह कर रहे हैं। तो ये उस बिहार का हाल है जहाँ के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की भारी कमी है, बच्चों को पढ़ाने के लिए शिक्षक मिल नहीं रहे हैं। सरकारी स्कूलों की हालत खंडहर जैसी हो चुकी है, लेकिन सरकार को बच्चों से ज्यादा बोरों से मिलने वाले पैसों की पड़ी हुई है। पटना से प्रशांत झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो ये है बिहार की शिक्षा नीति, जिसमें शिक्षकों के लिए बच्चों को पढ़ाना इतना अनिवार्य नहीं है जितना बोरे बेचना, क्योंकि बच्चों को पढ़ाने में तो सरकार के पैसे खर्च होते हैं और बोरे बेचने से कमाई होती है, लेकिन ये कमाई कहां खर्च होती है इसका कोई हिसाब किताब नहीं होता। शिक्षकों का बोरे बेचना भी सफल हो जाता अगर इसका पैसा बिहार के सरकारी स्कूलों को सुधारने में खर्च होता, लेकिन बिहार के सरकारी स्कूलों की हालत क्या है ये किसी से भी नहीं छिपी। तो आज हम आपको बिहार के कुछ सरकारी स्कूलों की हालत भी दिखा देते हैं, जहां के शिक्षकों को बोरे बेचने के सरकारी कार्य पर लगा दिया गया है। तो ये देखिए, ये है भागलपुर के सैदपुर में उच्च विद्यालय का हाल, जहां छात्र क्लासरूम के अंदर छाते के नीचे पढ़ाई करते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि यहां बारिश होने के बाद छत से पानी टपकता है, लिहाजा छात्रों को एक हाथ से छाता पकड़ना होता है और दूसरे हाथ में कलम पकड़नी होती है। और ये हाल तब है जब 13 वर्ष पहले शिक्षा भवन ने स्कूल के नए भवन के निर्माण के लिए 26 लाख रुपए की राशि आवंटित की थी, लेकिन छात्र आज भी आधी अधूरी बनी इमारत में ही पढ़ रहे हैं। अब बिहार के एक और स्कूल की हालत देख लीजिए, ये मुंगेर में असरगंज का सरकारी कन्या विद्यालय है, जहां लगातार बारिश के बाद ऐसा लग रहा है जैसे तालाब के बीच किसी ने स्कूल बना दिया है। स्कूल में इतना पानी भरा है कि बच्चों को जूते चप्पल हाथ में पकड़कर पानी को पार करके स्कूल के अंदर आना पड़ता है। मधेपुरा के मुरलीगंज में कस्तूरबा गांधी स्कूल का भी ऐसा ही हाल है, पूरे स्कूल परिसर में बदबूदार पानी भरा हुआ है और बच्चों को जहरीले जानवरों का डर सताता रहता है। इतनी गंदगी के कारण बच्चे बीमार भी पड़ रहे हैं, कई बार शिकायत के बावजूद कोई इस तरफ ध्यान देने को तैयार नहीं है। सहरसा के राजकीय कन्या विद्यालय की हालत इतनी जर्जर है कि खंडर होने का एहसास देती है, जो कब गिर जाए कहा नहीं जा सकता। स्कूल में 850 छात्राएं पढ़ती हैं, लेकिन स्कूल में ना तो पीने के पानी की कोई व्यवस्था है और ना ही शौचालय। तो ये है असली तस्वीर बिहार के सरकारी स्कूलों में शिक्षा व्यवस्था की, जिसे सुधारने के लिए बिहार के शिक्षा विभाग को बिल्कुल भी नहीं पड़ी है, क्योंकि शायद उसका तो पूरा ध्यान स्कूलों में शिक्षकों से बोरे बिकवाने पर टिका है। तो अब आप तय कर लीजिए कि जब देश के स्कूलों की हालत इतनी बदहाल हो और शिक्षकों को बोरे बेचने का आदेश दिया जाए, तो कैसे पढ़ेगा इंडिया और कैसे आगे बढ़ेगा इंडिया। भारत में सबसे पहली बार जनगणना कब हुई थी बच्चा? 1872 में। बारिश से छत बहुत ऊंचा है, पानी घुस के आते हैं सर, बहुत दिक्कत का सर, कैसे हम आए। यहाँ पे बारिश होते हैं तो पानी तालाब जैसा जमा हो जाता है और बाहरी लोग आते हैं, जानवर फिरता रहता है, हम लोग को बहुत परेशानी होता है। और क्लास रूम भी बहुत कम है, इसकी वजह से हम लोग को बहुत परेशानी होती है पढ़ाई करने में। बारिश होते हैं तो पानी किताब पे चिपक जाते हैं।
इनकी समस्या बराबर जो है विभाग को लिखा जाता है, ना आज तक बाउंड्री हुआ है, ना इसका जो भवन निर्माण की व्यवस्था कोई की गई है। हम लोग को बैठने में दिक्कत होता है, ऊपर से पानी टपकता है, इसलिए हम लोग नहीं ठीक से पढ़ाई भी नहीं कर पाते, हम लोग के किताब कॉपी सब भीग जाते हैं। यहाँ बारिश से छत बहुत चूता है, जिसके कारण हम लोग स्कूल नहीं आना चाहते हैं। खड़े हैं तो लगता है कि सब माथे पे देखे पानी गिर रहा है। बारिश के मौसम में यहाँ बहुत अधिक छत से पानी टपकता है। यहाँ पे जो शिक्षक है और हम लोग हैं जो जोखिम में डाल के पढ़ते हैं और शिक्षक पढ़ाते हैं। अब एक बात तो एकदम क्लियर है, बिहार में सरकारी स्कूलों के अंदर बच्चों को पढ़ाना सेकेंडरी है, क्योंकि शिक्षकों को कभी चुनाव की ड्यूटी पर लगाना, कभी जनगणना करवाना और बोरे बिकवाना प्राइमरी है। यही बिहार सरकार की असली शिक्षा नीति है। और इस शिक्षा नीति का असर क्या होता है, इसकी तस्वीरें तो हमने आपको दिखा दी हैं। अब आपको कुछ आंकड़े भी बताते हैं। बिहार की शिक्षा व्यवस्था की बदहाली का अंदाजा इस बात से लगा लीजिए कि वहां 90% प्राथमिक विद्यालयों में खेलने के लिए मैदान या पुस्तकालय तो भूल ही जाइए, पर्याप्त चार दीवारी तक भी नहीं है। रिपोर्ट के मुताबिक बिहार के सिर्फ 35% प्राथमिक स्कूल और सिर्फ 5% उच्च प्राथमिक स्कूल ही राइट टू एजुकेशन के तहत 30 छात्रों पर एक शिक्षक के मापदंड को पूरा करते हैं। आपको जानकर हैरानी हो सकती है कि बिहार में 5,227 सरकारी स्कूलों में बच्चों को पढ़ाने के लिए सिर्फ एक शिक्षक है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि शिक्षकों की कमी के मामले में बिहार देश का टॉप राज्य है, जहां शिक्षकों के 1,87,209 पद खाली हैं। तो जब स्कूलों की हालत इतनी खराब हो, ऊपर से शिक्षकों की इतनी भारी कमी हो, तो सवाल उठता है कि शिक्षा में गुणवत्ता का स्तर कैसे सुधरेगा। लेकिन बिहार की शिक्षा व्यवस्था में इस सवाल के बारे में सोचने वाला शायद कोई नहीं है। इसीलिए जो शिक्षक है भी, उन्हें भी बोरे बेचने के काम पर लगा दिया गया है। लेकिन शिक्षकों को पढ़ाने के बजाय नॉन टीचिंग कार्यों में लगा देने का रिवाज सिर्फ बिहार में हो, ऐसा नहीं है, ये पूरे देश की समस्या है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन की स्टडी के मुताबिक हमारे देश में शिक्षक अपनी ड्यूटी का सिर्फ 19% समय ही बच्चों को पढ़ाने के कार्य में देते हैं, जबकि 38% समय स्कूल मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेटिव कार्यों में बीतता है। शिक्षकों का सबसे ज्यादा 42% वक्त नॉन टीचिंग वर्क में बीतता है, जैसे कि चुनाव ड्यूटी, जनगणना ड्यूटी और अन्य सरकारी सर्वे। वर्ष 2019 में आई नई शिक्षा नीति में भी कहा गया कि हमारे देश में शिक्षकों को नॉन टीचिंग वर्क में लगा देना एक बहुत बड़ी समस्या है। नई शिक्षा नीति में साफ साफ निर्देश दिए गए हैं कि शिक्षकों को नॉन टीचिंग वर्क, जैसे कि वैक्सीनेशन ड्राइव और मिड डे मील्स के प्रबंधन जैसे कामों में शामिल नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन 4 साल बीत जाने के बाद भी शिक्षा नीति के निर्देशों का पालन करना किसी ने जरूरी नहीं समझा। राज्य चाहे कोई भी हो, हमारे देश में शिक्षकों को पढ़ाने के साथ साथ सरकारी योजनाओं की ड्यूटी लगा देना एक कल्चर बन चुका है। लेकिन बिहार में तो हद ही है, जहां शिक्षक बोरे बेच रहा है। Z News.